दी आंखें उसे ढूंढे, इन्हीं गाहों में चुपके से मिलेगी वो नाचों की पली है कहाँ वो गली जो कभी न मिली। मेरी आंखें उसे ढूंढे, इन्हीं गाहों में चुपके से मिलेगी वो नाचों की पली है कहाँ वो गली। चमक पलकों के तले कुंदन सपदन सोने में तुले, किसके झिलमिल से आंचल में हंसती हुई किन्ने है ढली है कहाँ वो कली जो कभी न मिली। मेरी आंखें उसे ढूंढे, इन्हीं राहों में चुपके से मिलेगी वो नाचों की पली है कहाँ वो कली। हलचल में दिया का पानी ऐसी चंचल है सपनों की रानी, जैसे हलचल में दरिया का पानी, कभी सांसों में कभी बाहों में कभी मेरे नर्म ख्यालों में, एक बिखरी सी जुल्फों की बहकी बहकी खुशबू है चली है कहाँ वो कली जो कभी न मिली। मेरी आंखें उसे ढूंढे, इन्हीं राहों में चुपके से मिलेगी वो नाचों की पली है कहाँ वो कली। जल्दी आ जाया करो मियाँ प्यारे, खाना नहीं खाइयो सरकार का, आज भूख नहीं है डालें। डालू सरकार, हम आपके वास्ते दो स्पेशल खाना बनाएं। क्या क्या? मीठा शामी कबाब और चटपटा शाही टुकड़वा। इस किस्म के तजुर्बाती खाने खुद ही खाया करो मियाँ प्यारे। का बताई सरकार, हमार पेट तो चार प्लेट फिरनी और दो प्लेट बिरयानी में ही भर गवा, हमार भूख उड़ गई है सरकार। अगर क्यों? रोज रात देर तक मेरे लिए जागने की वजह से, समझे? समझे नहीं समझे? नहीं। क्या समझे? कुछ नहीं समझे। अच्छा कुछ नहीं समझे, जाओ सर। चलो चलो खुदा के सोने से पहले मेहरबानी से छतरी उतार देना। ठीक ठीक, थैंक यू, गुड नाइट। वालेकुम गुड नाइट।
प्यारे। वालेकुम अस्सलाम। हमरा हिसाब साफ कर दो, हमका ये चाकरी नहीं करेगा। अरे क्यों? ये तुम्हारा सुबह शाम का शराब का चक्कर हमका नहीं पसंद है। अरे भाई रात जरा ज्यादा चढ़ गई थी, अब उतारने के लिए एक दो पीनी तो क्या हो। अच्छा है, रात को चढ़ाए के वास्ते पिया था, सुबह उतारे के वास्ते पिया था, हमका बेवकूफ समझाओ का। हाँ कौन बोला था भैया? नवाबपुर वाले मैनेजर कहा था हम घर आ जाए। अरे किस महूस को घर बुला रहे, कहना मिल लेंगे होटल पर। हाँ हेलो। हाँ अभी फजर का वक्त है ना साहब, अभी बहुत ही नेक काम में लगे हुए हैं, कहा था हम खुद होटल पे आ जा। खुदा हाफिज। अज्जू भाई के तुम जैसा क्लेवर आदमी खुद ही अपनी स्कीम में कामयाब नहीं हो सकता। डेढ़ साल में तुम कोई भी तो ऐसी लड़की तलाश नहीं कर सके जिसे हम बेगम के सामने उसकी गुमशुदा बेटी बनाकर पेश कर सकते। ये काम इतना आसान नहीं है मैनेजर साहब। मैंने एक मुर्दा लड़की को जिंदा करना है, और वो भी ऐसी जो 12 साल पहले गुम होने वाली सीमा के हिसाब से आज 20 साल की, और उसमें वो तमाम निशानियां भी मौजूद हों जो जागीरदार की बेटी सीमा में। जाहिर है इसमें कुछ वक्त लगेगा। लेकिन अब वक्त बिल्कुल नहीं रहा शहजाद। बेगम ने वसीयतनामा बना लिया है कि अगर उनकी जिंदगी में उनकी खोई हुई लड़की ना मिली तो करोड़ों रुपए की जागीर यतीम खाने के ट्रस्ट को दे दी जाएगी। खुदा के लिए कुछ करो शहजाद, तुम्हें मालूम है अगर ये स्कीम कामयाब हो गई तो 25% के हिसाब से तुम्हें कितनी रकम मिलेगी? तकरीबन 2 करोड़ रुपए। सोच क्या रहे हो भाई? सोच नहीं रहा हूँ, हिसाब लगा रहा हूँ। 75% के हिसाब से आपका हिस्सा क्या होगा? ओ, मैं तुम्हारी परसेंटेज कुछ और बढ़ा दूंगा, लेकिन पहले तुम सीमा जैसी कोई लड़की तो तलाश करो, वरना बेगम मर गई तो हम दोनों ही हाथ मलते रह जाएं। वो इतनी जल्दी नहीं मरेंगे मैनेजर साहब, उनकी ममता की दीवानी लगन की उनकी बेटी सीमा जिंदा है, और एक ना एक दिन उनसे जरूर मिलेगी, उन्हें मरने नहीं देगी। आप जाइए जागीर, क्यों होटल का खर्चा बढ़ाते हैं? जहाँ कहीं भी हो तुझे तेरी 20वीं सालगिरह मुबारक हो। खुदा तुझे हमेशा जिंदार सलामत रखे, और मरने से पहले एक बात जरूर सुना दे ताकि हमारी तरसती हुई ममता को सुकून मिल जाए, और हम तुझसे मिलने की हसरत लिए ही ना मर जाए। खुदा के लिए ना रोइए, वरना मुझे भी रोना आ जाएगा। अच्छा बेटे, हम जानते हैं हमारी तरफ तुम भी उसकी राह तक रहे हो। बचपन में ये और हमारी सीमा हर वक्त एक साथ हंसते खेलते रहते थे, इसीलिए शमशेर को देखकर हमारी आंखें ठंडी हो जाती हैं। काश काश हमने नवाब साहब के साथ अपनी बच्ची को ना जाने दिया होता। अब ये बात भूल जाइए बेगम साहबा। कैसे भूल जाए वो मंजिल जब हमारी सीमा हंसती खेलती नवाब साहब के साथ शिकार पर गई थी, फिर नवाब साहब की लाश वापस आई और हमारी बच्ची का कुछ पता न चला कि वो कहाँ है हमारी सीमा। सबर से काम लीजिए, अल्लाह ने चाहा तो एक ना एक दिन वो जरूर वापस आएंगी। हमारी ममता को यकीन है कि एक ना एक दिन हमारी सीमा हमसे जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। बहादुर खान ये सारी चीजें गरीबों में बांट दो। जी बेहतर है।
ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਪਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੁਚਾਲ ਆ ਜਾਏ छुरी जियो। अरे छप्पन छुरी से कुछ कटोगी ना? अरे ये लो और दिल पर यूं ही छुरी चलाती रहो। साले बोल जल्दी से बहन। मुझे माफ कर दे बहन। ना ऐसे नहीं बेटा, कान पकड़ के बोल। भोली बहन मुझे माफ कर दे। भोली बहन मुझे माफ कर दे। जा भाग जा बाबू भाग जा। सारा बांगड़ू तू ऐसा करेगी तो धंधा कैसे चलेगा? बाबा भोली मेहनत ही खावे है, इज्जत आबरू का धंधा ना उसने किया है ना करेगी। हाँ अच्छा चल चल, कहीं वो पुलिस को ना ले आवे। तुम बखत ने 100 का पत्ता फाड़ दिया, वरना आज मैं मजे से दारू पीता। मैं तो तुम्हें बहुत समझदार आदमी समझता था, मगर तुम जंगली बंजारन को एक शहजादी बनाने की सोच रहे हो? जंगली को शहजादी बनाना मेरा काम है। आज सिर्फ ये बताइए कि सीमा बड़ी होकर हूबहू इसकी तरह होती है नहीं? हाँ ये तो ठीक है, निशानियाँ तो सारी ही सीमा जैसी है, मगर अगर मगर छोड़िए, मैं ऐसे ऐसी सीमा बनाऊंगा कि आप भी धोखा खा जाएंगे। मुझसे नहीं सीमा। हाँ एक बात और, वो जो 75-25 वाला मसला है ना, उस पर जरा गौर कर लीजिए। अरे हाँ हाँ वो भी हो जाएगा। बैठिए। बड़े बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर मेरे दोस्त हैं भोली, मैं तुझे हीरोइन बना दूंगा, फिर तेरे पास भी बंगला मोटर नौकर चाकर सब कुछ होंगे। भोले को फिल्म में काम करने का शौक नहीं है सेठ, वो तो अपनी मेहनत मजदूरी की खावे है। अच्छा अच्छा जल्दी से कुछ खा पी ले। भोले मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। भोली को इसकी नियत में कुछ फर्क मालूम हो गए, चल जल्दी से यहाँ से फूट चले। अरे मुझे पेट भर के खा तो रहने दे। अरे सेठ बहुत नेक आदमी है, अरे बहुत अच्छा आदमी,
बोले बोले को गए थे हाँ बोले नहीं जाएगी। अरे काय को जले सेठ तुझको थोड़ा खा जाएगा पर भोली जावे काय को। अरे वो सेठ तुम्हारे नाच गाने से बहुत खुश है तुझे इनाम देगा क्या ना। अरे जा ना नहीं। अरे मेरी छप्पन श्री तुमने बड़े घाव लगाए हैं मेरे दिल पर मेरे सीने से लग जाए। खबरदार हाथ ना लगाइए नहीं तो भोली शोर मचा के सबको बुला लेगी। यहाँ कोई नहीं आएगा मेरी तपन चजान मैंने सिर्फ एक रात के 500 रुपए दिए थे माँ बाप को। तू झूठ बोलता है भोले के माँ बाप उसकी इज्जत आबरू का सौदा नहीं कर सकते। अगर सौदा नहीं करते तो लोग यहाँ क्यों आते हो तुझे मेरे कमरे में क्यों भेजते। अब ज्यादा न तरसा आ मेरे सीने से लग जा। खुदा के लिए रहम कर देख तेरे पास अल्लाह के दी बहुत कुछ है पर भोले के पास इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं। अगर उसकी इज्जत गई तो उनकी दुनिया लुट जाएगी। छोड़ दे छोड़ दे। क्या हुआ? बड़ी खूंखार लड़की थी शहजाद से मुझे चक्कू मारकर भाग गई। अगर कुर्ते के अंदर इतनी मोटी बंडी ना पहने हुए होता तो समझो अल्लाह को प्यारा हो गया होता। अकलमंद आदमी ये लो। मशूक आ रहा है कहाँ जाना है? शहर जाना है। आओ बैठो। आओ आओ इधर बैठो। नहीं 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 साला बांगड़ू। कभी जनानी आवाज में बोलत है कभी मर्दानी माँ बताऊँ कौन हूँ। ओहो प्यारे मैं हूँ शहजाद दरवाजा खोल।
मालिक बाहर ही रहना, एक ठुकरिया हमसे मजाक करत है। ए, मजाक नहीं है बच्चू, भोली अभी तेरे पीठ पर काट कर देगी। मालिक, ए मुझे किसी कसाई की बिटिया दिखाई दे। अरे खैरियत चाहता है तो खोल दे दरवाजा, नहीं तो सचमुच तेरा पेट फाड़ देगी। मालिक, ये टार्जन के बिटिया कहाँ से उठा लाए? ये टार्जन की बिटिया नहीं, हमारी मेहमान है, इनका नाम भोली। ए भोली है, तुम कहा था तो माने नहीं थे। और भोली ये है प्यारे, हमारा खनसामा, बैरा, जमादार, चौकीदार, सभी कुछ। ये जो कुछ भी है, पर इसे दरवाजा का एक बंद कर लुच्चा कहीं का। मालिक समझा लिया वे का, हमारा गुस्सा भी बड़ा खराब है, हम भी हर हफ्ते छुरी फेरत है, चार छह मुर्गियाँ। अच्छा अच्छा बस करो, जाओ खाना निकालो, बड़ी भूख लगी। आप छोकरी रात यही रही है। आपका कोई एतराज है? मालिक, जब छुरी वाली का कोई एतराज नहीं तो हमका का एतराज हो सकता है? मतलब है कि इनके खटिया बाहर डलवाई के अंदर। अरे क्या हो गया है तुम्हें, मेहमान है, दाहरे बेडरूम में सोएगी, जाओ खाने का। अब बोलिए बेडरूम में सोइए, देखना कहीं पुलिस का चाहिए। अरे आओ, ये है मेहमानों का बेडरूम। बेडरूम? ओहो, सोने लेटने का कमरा, यहाँ सोगी तुम अकेली? क्या मेरे मतलब है, घर की औरतें कहाँ सोवे हैं? इस घर में मर्दा ही मर्दा है, औरतें कोई नहीं, तुम अंदर से बंद करके सोना, लेकिन आओ पहले खाना खा लो। आओ। अरे ये क्या, खाना तो खाओ। तुम लोग का खाओ, बोली को भूख नहीं। ना खाओ। के 500 रुपए दिए थे हम आपको। तू झूठ बोलता है, भोले के माँ बाप उसकी इज्जत आबरू का सौदा नहीं कर सकते। अगर सौदा नहीं करते तो लोग यहाँ क्यों आते और तुझे मेरे कमरे में क्यों भेजते? भोले अपनी जान दे देगी, मगर ऐसे माँ बाप के पास कभी नहीं जाएगी जो इसकी इज्जत आबरू के पापा ही बन गए हैं। कोई बात नहीं है बोली, खिड़की बंद कर, सो जा रहा है। भोली ने कितनी भोली है, ये खिड़की बंद ही नहीं की थी। दबाओ दबाओ, ससुराल के माल समझ के खेचो, पर मालिक के उठे से पहले यहाँ से 9-2-11 हो जाए का है। पर काहे को बांगड़ू, देख तू नौकर है, मेहमानों से जरा तहजीब से बात क्या कर, जा एक कड़क चाय लेकर आ। मेहमान प्यारे, इन्हें फर्श पर बैठा कर क्यों खिला रहे? ओ मालिक, को मेज पर इतनी प्लेटन की जगह नहीं रही, और अभी तो ये तरबूज खाए के वास्ते मांगन थे। खाने पे नहीं टोकर करते, बेचारी ने रात भी कुछ नहीं खाया, भूल गई कुछ और खाए। नहीं साहब जी, नाश्ते में इतना ही काफी है, दोपहर में देख लेंगे। कहो तो एक कालीन रोस्ट करा दे। अच्छा तो जल्दी से मुंह हाथ धो ले, तुझे तेरे रिश्तेदारों के पास छोड़ा। रिश्तेदार? साहब जी, भोले का तो इस दुनिया में कोई रिश्तेदार ही नहीं है। लेकिन रात तो तुम कह रही थी कि रिश्तेदारों के पास जाना। वो पहले इस बांगड़ू को बाहर निकालो, फिर बताऊंगी। अरे इससे क्या फायदा, ये तो घर का ही आदमी। तुमने सुना प्यारे, कितने दुख की बात है, भोली बेचारी का दुनिया में कोई नहीं। मालिक हमारा ख्याल है भोली का ऊपर वाली दुनिया में भी कोई नहीं है। ए, जवान संभाल के बात कर जांगली, भोली को गुस्सा आ गया तो चक्कू चल जाएंगे। मालिक समझा लो लड़का,
हमारा गुस्सा भी बहुत खराब है, हम भी बहुत खराब आदमी आई। ये तो तेरी शक्ल से नजर आ रही है। खामोश, तुम जाओ चाय ले जाओ। हाँ तो बोली, किस्सा क्या है? क्या बताऊं साहब जी, ये भोली है ना, है तो बहुत बड़े घर की। जाहिर है। और ऊपर से मुसीबत ये साहब जी कि भोली है भी बड़ी खूबसूरत। अच्छा, क्यों दिखता नहीं है कौन? मैंने देखा नहीं गौर से। इसीलिए लोग भोली को छप्पन छुरी बोले हैं। काम की बात बता। हाँ तो साहब जी, एक बुढ़ा कपड़ूस भोली पे बड़े जोर से आसिक हो गया, और तुम तो जानो हो साहब जी, भोली की उमरिया है इतनी सी। तो फिर ये हुआ साहब जी, उस बेशर्म बदमाश ने भोली के बापू की चाची के फूफा को इतने बहुत सारे रुपली देके शादी की बात पक्की कर ली। पर साहब जी, भोली नाम की भोली है, शादी का दिन आने से पहले भाग निकली, और ये उसकी खुशनसीबी के रस्ते में तू मिल गया। अब तू ही बता साहब जी, भोली बेचारी कहाँ जावे। वाकई भोली, तेरी कहानी बड़ी दर्दनाक है, लेकिन क्या हो सकता, तुझे कहीं ना कहीं तो जाना ही होगा। मैंने तो तुझे बस एक रात के लिए पना दी। साहब जी, दो चार रात रहने देवेगा तो कोई गुनाह हो जाएगा। हो भी सकता है। अच्छा साहब जी, पना मत दो, पर भोली बेचारी को दो चार दिन सोचने के लिए टाइम तो दे दो। हाँ ये हो सकता है, चल तू सोच ले दो चार दिन। इससे पहले आप भी कुछ सोच ले मालिक। सोच ली। अच्छा मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम जरा इसे नहलवा देना। आप हुकुम करो तो फिनाइल डाल के एक नवा दे। ए जांगली, तू भोली को नहलाएगा? मेरे को क्या जरूरत है मालिक, आप एका किसी लॉन्ड्री में डाल दे, हम तो तुम्हारे साथ चल बे। अरे भाई क्यों? इसके पास है खटकेदार, या तो हमका भी कोई तोप बंदूक लेके दो, हम इस घर में अब नहीं रहा। नहीं भोली, अगर अब तुमने चाकू निकाला ना तो तुझे सोचने का टाइम नहीं मिलेगा। अच्छा साहब जी, पर इस बांगड़ू को समझा दे, भोली से जरा इज्जत से बात किया कर। भाई तुम ही समझ जाओ ना। ये बांगड़ू आपके कबीले में कोई बुजुर्ग गुजरे हैं क्या? तोहार पड़क तोहार पड़क तोहार पड़क। मालिक और कुछ उठा लाएगा? ए जनाना है क्या मर्दाना? ए दिखता नहीं है का? ये भोली है भोली। मालिक के कपड़े काहे पहन लियो? उतारो इन कपड़न का, उतार। उतारत है क्या? नहीं। ए साला बेशरम बांगड़ू, कपड़े उतारेगा भोली के? आपकी आवाज में बहुत मिठास है, पर हमारे मतलब नहीं है जो तुम समझा था। मालिक देखिए तो नाराज हो जाइए, हमार कपड़वा भी उतरवा ले हैं। ए जाजा, कुछ भी नहीं होगा। तुम मालिक के गुस्सा नहीं सिर्फ प्यार देखे हो। अरे ये तो तू ठीक बोले है, मालिक को सच्ची मुच्ची भोली से प्यार हो गया है। अच्छा, और नहीं तो का? अच्छा ये तो बता, तेरे मालिक का धंधा पानी का है रे? पहले तरकारी काटने वाली मशीनरी बंद कर तो बताऊं। जेले मालिक के धंधा है हम पर हुकुम चलाना, उनके बाप हमरे बाप पर हुकुम चला रहे हैं, अब हमरे बच्चे हुई हैं तो उनके बच्चे हमरे बच्चन पर हुकुम चलाइए। अरे जाजा, काहे को झूठ बोले है जांगली? अरे मालिक की तो जुड़वा है ही नहीं, अरे बच्चा किधर से आवेगा? आजकल आजाद है, शहर से बड़ी तरक्की कर गई है, तेरे को क्या बता। एक बात बता, तेरे और मालिक के दरमियान चक्कर क्या है? प्यारे, ओ प्यारे साहब, क्या हो रहा था? साहब जी, ये बांगड़ू पूछे था तेरा और मालिक का क्या चक्कर है? प्यारे प्यारे, डर के भाग गया सारा बांगड़ू। 100 बार समझाया है, गाली ना दिया। कौन साला किस साले को गाली देता है साहब जी? अरे ये गाली नहीं तो और क्या है? ये गाली है? हाँ बुरी बात। अच्छा साहब जी, फिर भोली गाली नहीं देगी? ले तेरे लिए कुछ कपड़े लाया, पहन ले। उल्लू की पट्टी लग रही मेरे कपड़ों। साला बांगड़ू लाया अपने लिए और बोलते तेरे लिए लाया। भोली गाली नहीं देने का? या फिर बांगड़ू शाह, इस बांगड़ी को अगर इस घर से निकलवा दे तो हम गरीबन मां 10 चाकू मुफ्त बटवे। तू
खबरदार जो हमको भैया कहा, हमारा नाम है प्यारे मियाँ, आवाज देखा है तो या तो प्यारे कहो या मियाँ। अच्छा ये बता, भोली तुझको प्यारे भाई बोले या मियाँ भाई बोले? मियाँ भाई बोल या दूल्हा भाई, दो दिन के बाद तो तोका इस घर से चले जाएगा है। ऐसी बात मत करियो, जास्ती बेतकल्लुफ ना कर यार। अच्छा ला मैं तेरी तरकारी काट। तरकारी काटते काटते कहीं इस घर से मेरा पत्ता ना काट देना। इस वक्त तो मेरे पास काटने के बाद से कोई चीज नहीं। ओ तेरा वो खटकेदार कहाँ गया? वो मैंने छुपा दिया, ले ले देख ले। वाकई छुपा दिया? हाँ। तो फिर निकल यहाँ से भाग। अरे अरे तू जब भोली से कहाँ गया रहे? भोली बगैर चाकू के तुमरी इस घर में दो टके की इज्जत नहीं, निकल यहाँ से चल। अच्छा ये बात है। ए, ए, ये तरकारी काटेगा, ये तरकारी काटेगा। प्यारे प्यारे साहब जी, मार भेजो जंगली पर, हुक्म फरमाओ, भोली खिदमत के लिए हाजिर है। प्यारे का खबर नहीं कहाँ मर गया। साहब जी वो बड़े ही हराम खो रहे, सुबह से चार आलू नहीं काटे और ये वक्त हो गया है। अच्छा तुमका नहीं मालूम साहब जी, खाना पकाते वक्त आधा खाना खुद खा जावे है और तुझको अपना झूठा खिलावे है। सच? ईमान से। पर तुम फिक्र मत करो साहब जी, कल से भोली खुद खाना पकाया करेगी तेरे लिए बड़े मजे मजे का। कल से आप जरा तशरीफ तो रखिए। कौन तफरीज साहब जी? ओहो ये रख दी तफरीज, अब जरा आंखें बंद कीजिए। देखो साहब जी कुछ गलत हरकत मत करना। बंद कर। हाँ ये सोचिए कि दो दिन बाद आप अपनी तफरीज का टोकरा कहाँ ले जाएंगे। तो कोड़ी की इज्जत नहीं है इस घर में साली भोली की, पर भोली भी कहीं जाएगी, यही रखेगी अपनी तफरीज का टोकरा। क्या कर रहे सेठ? सेठ का बात है, आज तो बोलन में बतासे घोल दिए हो। कितनी शर्म की बात है भैया, घर में औरत है और तुम मर्द होके काम करे हो। ला भोली इधर। ना ना ना, ना मेहरबानी करो, कल तो तुमने चले जाएगा है, जरा जी भर के खिदमत तो कर लेते हो। ये बात है तो फिर भोली नहीं जावेगी इधर से। हाँ रोज बस खिला के खाने पका कर देवी की तुम लगा को। हाँ ईमान से ये तो ठीक है, पर मालिक तुझे यहाँ रहे दे तब ना। यही तो सारी गड़बड़ है। आए प्यारे भैया तुम्हें कोई चक्कर चला ना यार। यार चक्कर तो मैं चला देता, मगर तेरी जैसी, मेरा मतलब है कोई पटाखा किस्म की ऐसा छमक छल्लो होती तो चला देता। नहीं क्या बकता है, हम शहर शहर घूमे हैं, हर शहर की पब्लिक हमको 56 छुरी बोले हैं। अरे 9 बार चक्कू चल चुके हैं भोली की खातिर। बस यही तुझ में खराबी है, तू हर चक्कर में चक्कू ले आती है, कभी नैनों के तीर भी चला के दे। अरे बेसम क्या बोलता है, चक्कर तो चला लेती पर भोली अपनी सराफत से मार खा रही है। वैसे बांगू बोलता तो तू ठीक है, इस घर में रहने की खातिर भोली को ये चक्कर चलाना ही पड़ेगा। हाँ बोली, ए बोली, अरे उठ जा अपने बिस्तर पे। बोली बाबू नहीं थे, गली के लड़कों को बुलवा लूंगी मैं शोहर करके।
डालूंगी मैं शोर करके, कुछ दे दे या कुछ ले ले, हर दिल का सौदा कर ले, समझ ले बात पकड़ ले, हाथों मेरे बाबू ने दे, गली के लड़कों को बुलवा लूंगी मैं शोर करके, कुछ दे दे या कुछ ले ले। वाह, गाना तो अच्छा गाती है भोली। ये तो उर्दू गाना है साहब जी, भोली तो पस्तो पंजाबी सिंधी अंग्रेजी जबरदस्त गावे है। हुक्म फरमाओ तो रोजाना एक गाना सुबह, एक गाना दोपहर, एक गाना शाम सुना दिया करेगी कल से। कल से? कल तो तुझे जाना है भोली। जरूर जाना है साहब जी, जरूर जाना है। साला पेट है बांगड़ू। क्या कहा? अब मेरा मतलब है साहब जी, इतनी बड़ी साई हवेली है तेरी, एक गरीब भोली इस चौकड़ पे पड़ी रहेगी तो तेरा कहा जाएगा? उल्टा झाड़ू बर्तन साफ कर दिया करेगी भोली। झाड़ू बर्तन? अरे अभी तो जेल में चक्की पीस पीस कर फांसी चढ़ना है साली भोली को। फांसी? अरे वाह, ये क्या बात हुई, फांसी चढ़े भोली का दुश्मन, ऐसा क्या कसूर किया है भोली ने? ये भी मुझसे ही पूछेगी भोली, क्या तू एक सेठ को चाकू मारकर नहीं भागी? क्या माँ बाप के होते हुए तूने मुझसे झूठ नहीं बोला कि तू दुनिया में बिल्कुल अकेली है? देखो साहब जी, माँ बाप का नाम मत लीजिए, भोली जान दे दी देखी पर माँ बाप की शक्ल कभी नहीं देखी थी। क्यों? माँ बाप तो बेटियों की इज्जत के रखवाले होते हैं, पर भोली के बाप ने 500 रुपये की खातिर भोली की इज्जत का सौदा कर डाला। भोली गली गली नाच गाकर 20-30 रुपये रोज कमा कर दे रही थी, फिर उन्होंने ऐसा काहे को करा, उस बदमाश सेठ के घर काहे को लेकर गए। अगर भोली उस बेशरम को चक्कू ना मारती तो फिर उसकी इज्जत को चक्कू लग जाता। अब तू ही इंसाफ कर साहब जी, अगर भोली ने गलत किया है तो जो तू हुक्म देगा भोली अपनी जान दे देगी। भोली मरने से नहीं डरे है साहब जी, बस उसे फांसी से डर लगे हैं, फांसी के बाद आदमी नू हो जावे। देख भोली, तेरी बात का मैं तो यकीन कर दी, लेकिन तू लोगों को कैसे समझाएगी? पुलिस तो तेरी बात हरगिज नहीं मानेगी। साहब जी, तो फिर तुम भी कुछ करो ना। देख भोली, तुझे फांसी से बचाने का सिर्फ एक तरीका है, और वो ये कि तेरा नाम, तेरी बातचीत, चाल ढाल, रहन सहन सब इस तरह बदल दिया जाए कि पुलिस तो क्या तेरे अपने माँ बाप भी ना पहचान सके। अब तू बता, तू एक भिखारण की बजाय शहजादी बनने को तैयार? साहब जी, फांसी से बचने की खातिर शहजादी तो कहा, किसी की दादी बनने को भी तैयार है भोली। तो बस ठीक है, लेकिन जो मैं कहूँ तुझे करना होगा, और हाथ से जा, मजे से सो जा। वो बांगड़ू लड़का? अरे लड़का नहीं है, लेकिन मुलाजिम को इसी तरह आवाज दी जाती है। कहो भाई। इधर देखो बॉय। भाई। बॉय। बॉय। बॉय नहीं, बॉय। 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 दो आवाज। बॉय। सरकार कमरा में एक छोटा सा स्कूल खोल लेकर आ। चल। हाँ मिस्सी, ऑर्डर दीजिए। बॉय, एक कोप चाय दो, जरा कड़क। देखिए अब ये कोप कड़क नहीं चलेगा, अब आप शहजादी बड़े रोब से अदा से ऑर्डर दीजिए। बॉय, एक कप चाय दो। चाय? एक कप बॉय दो। बॉय, एक कप चाय दो। बॉय, एक कप चाय दो। गुड। ये तो हर चाय स्ट्रॉन्ग किस्म की। अब देखिए इस शान से चुस्की लीजिए, जैसे आप चाय नहीं पी रही हम सब पर एहसान कर रही हैं। चाय पीना तो आवे है सीमा को? आवे नहीं, आता है। आता है तो क्या शुरुप शुरुप कर रही हो, ये तो खास गरीबों का ट्रेडमार्क है, चट से मुंह में खट से पेट में, फट से काम पर। आप शहजादी आराम से चाय पीजिए, बेहद आराम से। सीमा शहजादी तो है पर ये गर्म चाय कैसे पिए? नौकर से कहो कि ठंडी करके दे। नौकर? बॉय। बॉय, जरा ठंडी करके दो। जरा नहीं, जरा। 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 जरा 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 हाँ जी, जरा नहीं,
जिंदाबाद वाला जरा कह कर रहा सरकार। हाँ ठीक है जाओ चलो। क्या इत है जरा पानी देना, जरा ठंडा देना दे। अब खाना शुरू करो। ऐसे नहीं सरकार, बड़ी मुश्किल से खटकेदार छोड़ा है इनके हाथ में, छुरी ना दे। ऐसे नहीं पकड़ते ऐसे काटा, ऐसे छुरी इस तरह कांटे से दबाओ और ऐसे छुरी से काटो। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। हम जाफरान डाला है। अरे मुर्गी में से नहीं के कपड़ों में से आ रही है। बहुत अच्छा काटा था। प्लेट को नहीं काटना है, मुर्गी को काटना है। ये हाथ यहाँ रखो। अरे यहाँ नहीं, यहाँ दूसरा हाथ लाओ। हाथ पकड़ो ऐसे। वन कुदकुदी होती है। ओके डी से क्या होता है? वाँ वाँ, डॉग। अभी लिखो। यही है। एफ लिखो। उल्टी खोपड़ी है तुम्हारी, ऐसा होता है एफ। ये देखो। ये कोई पढ़ने की जगह थोड़ी है, ये तो पढ़ती हो या नहीं? नहीं बिल्कुल नहीं। तुम ना पढ़ो। तेरा नाम सजना है।
वही तो बिस्मिल्ला है। हमरे मालिक बहुत मार मारत है। शुरू शुरू में हमका मारत रहन, हमरी खोपड़ी गंजी हो गई रही। तुमसे सब बर्दाश्त नहीं हुई है, हमरी मानो यहाँ से फूट ले। अरे तू तो पगला है प्यारे, तेरा मालिक मुझको जोर समझता है। जुर्मा समझत है तुमका? हाँ, अगर जोर ना समझता तो मुझे थप्पड़ की मारता। थप्पड़ तो हमका भी बहुत मारे रहन, पर हमका एक दिन भी जुर्मा नहीं समझा। तुम जुर्मा बन ले। गुड मॉर्निंग। मगर ये क्या हरकत है? आज से हर सुबह आप जूस पिया करेंगे, शराब नहीं। क्यों? आज तक आप मनमानी करते रहे हैं, लेकिन अब वही होगा जो मैं चाहूंगी। अच्छा? जी हाँ, और सुन लीजिए, मैं किसी से डरूंगी भी नहीं। अच्छा बाबा, डरना ना, ये तो दे दो। जी नहीं, जूस पीजिए। शुक्र है तेरा मेरे मालिक, हम तो इस छोकरिया का इस घर से निकाले के चक्कर में रहे, पर इसने तो हमरे मालिक के शराब छुड़वा दी। हमका और का चाहिए? ये छोकरिया हमरे मालिक की शराब के लिए खट्टे नींबू की सीसी बन के इस घर में आई। शुक्र है तुमने ये सारी तस्वीरें अच्छी तरह देख ली है ना? हाँ। मगर ये किन लोगों की है? तुम्हारे महल, तुम्हारी जागीर और तुम्हारे खानदान से मुतालिक लोग। मेरा महल और खानदान? हाँ हाँ, ये तुम्हारी तस्वीर है जब तुम 7-8 साल की थी, और ये तुम्हारी माँ। मेरी माँ? मेरी माँ तो एक ठिकाना है, फिर तुम मेरे साथ ऐसा मजाक क्यों करते? ये मजाक नहीं, तुम्हारा आखिरी सबक। तुम्हें ये सबक बड़ी मेहनत से याद करना होगा, उसके बाद तुम्हारा बड़ा सख्त इम्तिहान होगा। कामयाब रही तो करोड़ों में खेले, और अगर फेल हो गए तो हम दोनों की बाकी जिंदगी जेल में गुजरेगी। तुम क्या कह रहे हो शहजाद? मैं कुछ भी नहीं समझी। मैं समझाता हूँ तुम्हें। ये नवाबपुर के जागीरदार की इकलौती बेटी सीमा है, जो 8 साल की उम्र में गायब हो गई थी। यूं तो सभी का ख्याल है कि ये मर चुकी है, लेकिन इसकी माँ की मानता को यकीन नहीं आता। इन्हें यकीन है कि कभी ना कभी इनकी बेटी जरूर वापस आएगी, इसलिए तुम्हें शहजादी सीमा के बचपन की हर बात, हर अदा अच्छी तरह याद करनी होगी। मगर मेरा नवाबजादी सीमा से क्या ताल्लुक? मैं बताता हूँ, अगर ये सीमा जिंदा होती तो हूबहू तुम्हारी तरह होती, इसलिए तुम्हें उसकी माँ पर यह साबित करना है कि तुम ही उसकी खोई हुई बेटी सीमा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये मुझसे नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तुम्हें ये सब कुछ करना होगा, मैंने तुम्हें ये सारी ट्रेनिंग दी ही इसीलिए। इसका मतलब ये हुआ कि तुमने मेरे साथ हमदर्दी का ढोंग सिर्फ इसलिए रचाया था कि तुम मुझसे ये धोखा करवा सको। तुमने मुझे कितना बड़ा फरेब दिया है शहजाद। फरेब तो तूने मुझे दिया है पूरी। कभी तूने ये भी सोचा कि तुझे दर दर की ठोकरों से निजात दिलाने के लिए, ये ऐश और इशरत की जिंदगी देने के लिए मैंने तुझ पर कितना रुपया खर्च किया है? तुझे एक ठिकारन से शहजादी बनाने के लिए रुपया कहां से आया, कैसे आया? और आज जब रुपया कमाने का वक्त आया है तो तुझे ये सब फरेब मालूम होता है। मैं पूछता हूं, क्या समझ के इतने दिनों तक एक अजनबी के घर में ऐश और इशरत की जिंदगी गुजारती रही? रिश्ता ही क्या है, क्या लगता हूं मुझे? मुझसे भूल हो गई शहजाद, मैं तुम्हारी छोटी हमदर्दी को प्यार समझ बैठी थी। प्यार? ये मदहूस लफ्ज दोबारा मेरे सामने अपनी जबान पर ना लाना। इस प्यार, शराफत और खुलूस के नाम पर मैंने इतने जख्म, इतने ठोके खाए हैं कि ये लफ्ज अब मेरे लिए बेमानी होकर रह गए। ये वो खूबसूरत फंदे जिनसे अकलमंद शिकारी बड़े बड़े शिकार करते हैं। बस करो शहजाद, अब खामोश हो जाओ। मैं नहीं जानती थी कि मुझे हमदर्दी और खुलूस की आड़ में दौलत की भेंट चढ़ाने के लिए तैयार किया जा रहा है।
मैं भीख मांग कर गलियों और बाजारों में नाच गा कर अपना पेट भर लूंगी, लेकिन ये नीच काम है जो नहीं करूंगी। किसी माँ की ममता को धोखा नहीं दूंगी। तो जाओ, अपनी इस इज्जतदार दुनिया में लौट जाओ, जहाँ तुम्हारे माँ बाप ने 500 रुपए में तुम्हारी आबरू का सौदा किया था, जहाँ पेट भरने के लिए तुम्हें बार बार अपना जिस्म बेचना पड़ेगा। और फिर एक दिन ऐसा भी आएगा जब तुम्हारे जिस्म का भी कोई खरीदार नहीं होगा। सुनो, तुम जो चाहो इस घर से ले जा सकती हो। नहीं, मैं खाली हाथ आई थी और खाली हाथ ही वापस जाऊंगी। कहाँ जात था भोली? जहां भी तकदीर ले जाए। एक तकदीर भी बड़ी जालिम होती है, कहीं ना था। तुझे नहीं मालूम भैया मालिक ने मुझे क्या कुछ कहा है? हम सब सुना है भोली, हम तो समझत रहे कि तुम मालिक का सीधे रास्ते पर लगा दे हो, पर तुम्हारे दिल में तो मालिक का इतना प्यार भी नहीं जितना मालिक के दिल में दौलत का प्यार है। नहीं भैया, तुम नहीं समझते, वो इंसान नहीं फरिश्ता है। हम सच कहा था, वो बहुत बड़े दिल का आदमी है। उसने अपने घर में अंधेरा करके लोगों के घर में चिराग जलाए। उसने अपनी खुशियां देकर लोगों के गम अपनाए। फिर अब उसे क्या हो गया है? हमरे मालिक का दुनिया ने सराफत और इंसानियत की इतनी बड़ी सजा दी कि उसका दिल पत्थर हुई गवा। दोस्तों ने धोखे दे देकर उसे पाई पाई का मोहताज कर दिया। उसकी माँ जब बीमार पड़ी तो किसी ने फूटी कौड़ी को नहीं पूछा, और वो बेचारे मालिक के सीने पर बड़े जख्म लगाए। लेकिन हमारा मालिक हर जख्म खाकर हंसता ही रहा, क्योंकि एक लड़की के प्यार में वो हर दुख को सुख बना लेता था। लेकिन जब उसने भी मालिक का प्यार दौलत की मंडी में नीलाम कर दिया तो हमारा मालिक ये जुल्म बर्दाश्त नहीं कर सका। और एक दिन शहजाद, हाउ डेयर यू एंटर दिस रूम? डोंट वरी माय डियर फ्रेंड, मैं तुम्हारा बचपन का वही दोस्त जिससे तुम्हारा कोई पर्दा नहीं। भूल गए तुम? हमेशा अपनी गुर्बत की चादर चाक करके मेरी दौलत समेटने के लिए भिखारी का दामन बना लिया करते थे। अरे मैं वही तो हूँ नए सेठ साहब। Shut up, you idiot! कमीने एहसान फरामोश। तुमने मेरे कमरे में आकर मेरे सामने जिम्मी को बेइज्जत करने की जरूरत कैसे की? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं आपसे मोहब्बत करने की हिमाकत की। यादाश्त कमजोर हो गई है आपकी, भूल गई है आप कि आज का सेठ जिमी भिखारी जमील है जिसे मेरी दोस्ती की ठोकरों में सेठ बना दिया। दिमाग दिमाग की बात करो शहजाद। जो आपकी अंधी मोहब्बत में अपने आप को न संभाल सका वो भला जबान कैसे संभालेगा? मैं डालिंग, कभी इसी जबान के वादे पर आप अपनी जवानी, अपना हुस्न, अपनी मोहब्बत सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार थे। आपको ये तो जरूर दिया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि तुम इतने बेवकूफ हो, दुनिया तुम्हें लूटेगी और तुम सब कुछ लुटाकर भिखारी बन जाओगे। तो क्या हुआ? आपको दौलत की नहीं सिर्फ मेरी बाहों के सहारे की जरूरत थी, सो वो आज भी मौजूद है। तर लुकमाना सही, सूखी रोटी ही सही, ये बाहें आज भी आपको लिपटाने के लिए उतनी ही बेकरार है। आइए आइए ना। दूर हो जाओ, वो मेरा पागलपन था, ये तुम्हारा पागलपन है जो आज भी वही ख्वाब देख रहे हो। ख्वाब नहीं, आपकी ताबीर देख रहा, तेरी मोहब्बत का असली रूप देख रहा। आज तूने मेरी आंखें खोल दी, ये साबित कर दिया कि दुनिया में दौलत ही सब कुछ है। जा, मैंने तुझे इस तजर्बे के बदले आजाद किया, तुझको मारकर मैं इस सारी दुनिया को तो नहीं बदल सकता।
आदाब। मैनेजर साहब ने सिर्फ आपको याद फरमाया है, तशरीफ ले चलिए। जरा जल्दी आना मालिक। खुदा करे वो मेरी सीमा ही करे। खुदा ऐसा ही करे, लेकिन इस सिलसिले में बड़ी छानबीन की जरूरत है बेगम साहब। वो तो आप जाने, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मेरी बच्ची मुझे बचाए। आइए आइए। हाँ, आप ही प्रिंस शहजाद हैं? जी हाँ, वैसे प्रिंस मैं सिर्फ नाम का हूँ, काम तो कालीनों का एक्सपोर्ट। मैं बेगम साहिबा की जागीर का मैनेजर हूँ। आपने जो खतूत हमें भेजे थे वो मैंने आपको दिखा दिए। अब इस सिलसिले में कुछ जरूरी बातें आपसे पूछनी है। हाँ हाँ पूछिए। तुमने खत में ये नहीं लिखा कि सीमा तुम्हें कब कहाँ और कैसे मिली। पिछले दिनों मैं बिजनेस के सिलसिले में लंदन गया हुआ था, वहाँ इत्तेफाकन मेरी मुलाकात दिलावर खान से। दिलावर खान से? मगर तुम उसे कैसे जानते हो? वो मेरे वालिद के पुराने दोस्त थे। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? उन दिनों उनकी तबीयत बहुत ही खराब थी। मरने से पहले उन्होंने मुझसे इल्तिजा की कि मैं सीमा साहिबा को आप लोगों तक पहुंचा दूं। क्यों, इसकी वजह उन्होंने बताई थी? जी हाँ बताई थी। उन्होंने कहा था कि नवाब सफदर बेग ने उनकी तमाम जायदाद को करवा ली थी और इसी जुल्म का इंतकाम लेने के लिए उन्होंने नवाब साहब को उस वक्त शूट कर दिया जब वो शिकार पर जा रहे थे। फिर वो सीमा को लेकर यूरोप चले गए। हम इस बात को एक झूठी कहानी से ज्यादा अहमियत नहीं देते मिस्टर शहजाद। ये तो सब जानते हैं कि दिलावर खान नवाब साहब का दुश्मन था और उनके कत्ल के बाद कहीं गायब हो गया था। हो सकता है तुमने ये तमाम वाकयात कहीं से सुन लिए हों और दौलत के लालच में किसी भी लड़की को सीमा बनाकर यहाँ ले आए हो। मैं लानत भेजता हूँ ऐसी दौलत पर जो किसी को धोखा देकर हासिल, और फिर मैं आप पर एहसान करने आया हूँ, एहसान लेने नहीं। इसलिए जरा लहजा बदल कर बात कीजिए। तुम जानते हो इस वक्त बात किसे कर रहे हो? आप मैनेजर होंगे अपनी जगह, मैं ऐसा रवैया बर्दाश्त करने का आदी नहीं। खुदा हाफिज। सुनिए एक बात तो बताएं। भाई मेरी समझ में ये नहीं आता कि दिलावर खान ने मेरे शौहर को कत्ल करने के बाद मेरी बच्ची को क्यों जिंदा रखा। यही सवाल मैंने भी उनसे किया था बेगम साहिबा। उन्होंने जवाब दिया कि आपके शौहर को कत्ल करने के बाद जब उन्हें अपने गुनाह का एहसास हुआ तो उन्होंने सीमा साहिबा को अपनी बच्ची की तरह पाला पोसा, और उस गुनाह का कफारा अदा करने के लिए वो सीमा साहिबा को आपके पास पहुंचाना चाहते थे ताकि आपकी ममता को कुछ सुकून। कहाँ है सीमा? बाहर बैठी आपकी गले से लगने का इंतजार कर रही है। वो आपसे मिलने के लिए कितनी बेचैन है, मैं क्या बयान करूं। मैनेजर उसे जल्दी से। जज्बाती ना बनिए बेगम साहिबा, हम पहले भी कई बार धोखा खा चुके हैं। हमें सोचने समझने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए मिस्टर शहजाद, तब तक के लिए आप हमारे मेहमान रहेंगे। जी बेहतर, लेकिन ज्यादा देर ना लगाइए। और हाँ, ये है सीमा साहिबा का पासपोर्ट, इसे अच्छी तरह देख लीजिए, कहीं जाली तो नहीं। आपको मेरी बातें बुरी जरूर लगी, लेकिन मैं भी अपने फर्ज से मजबूर था। मैं समझता, मुझसे कोई गुस्ताखी हुई हो तो आप भी माफ कर दीजिए। बहादुर खान आपको मेहमान खाने में ले जाओ। मेरे दिल में तूफान सा उठ रहा है। मेरी ममता कहती है कि वो मेरी सीमा ही होगी। खुदा करे ऐसा ही हो, मगर मैं चाहता हूँ जिन लोगों ने सीमा बीबी को करीब से देखा है वो उन्हें अच्छी तरह से पहचान कर मुतमईन हो जाए तो बेहतर है। जो कुछ करना है जल्दी कीजिए, हम ज्यादा इंतजार नहीं कर सकते। आइए आइए, नशीद आप यहाँ नशीद। हमें मालूम हुआ है कि आप लोगों को हमारे सीमा होने पर शक है, इसलिए आप लोगों ने हमें अभी हजूर से नहीं मिलने दिया। लेकिन हम आपसे इतनी इजाजत जरूर चाहेंगे कि हमारी तरफ से ये फूल अम्मी हजूर के कदमों में निछावर कर दिए जाए।
आप लोग जो पूछना चाहें बड़े शौक से पूछिए। हम अम्मी हुजूर से मिलने के लिए आपके दरिया से भी गुजर सकते हैं। आप मुझे पहचानती हैं मिस सीमा? हम किसे नहीं पहचानते बहादुर खान, अपनों के मेहरबान से हुए भला कौन भूल सकता है। मगर अफसोस तो इस बात का है कि हमें अपनों ने नहीं पहचाना और आप भी उनमें से हैं। नहीं नहीं मिस सीमा, मैं आपको पहचान गया हूँ। आपकी सूरत तो हमेशा मेरी निगाहों में घूमती रही है, मगर हमें अपना फर्ज भी तो अदा करना है। अच्छा मिस सीमा, ये तो बताइए, किसी एक शब्द रात को आपके साथ कोई हादसा पेश आया था? हाँ हाँ, हमें अच्छी तरह याद है। हमारे कपड़ों को आग लग गई थी, हमारा पांव भी जल गया था और डॉक्टर जमाल ने हमारा इलाज किया था। बल्कि हमें तो ये भी याद है कि एक मतलब हमें फुंसी निकल आई थी और इन्होंने नष्टे से चीरा दिया था। क्यों डॉक्टर जमाल, ठीक है ना? बेशक बेशक, मगर उस वक्त तो आपकी उम्र तकरीबन 7 साल थी। ताज्जुब है, उस वक्त की तमाम बातें आपको याद कैसे रह गई? आप लोगों से बिछड़ने के बाद हमारे पास यादों के सिवा रह ही क्या गया था, और हमारी याददाश्त थी भी बहुत अच्छी। हमारे टीचर मिस्टर पिंटू हमें जो सबक याद कराया करते थे हमें फौरन याद हो जाता था। Am I right, sir? Of course. Your memory was wonderful, Miss Tina. Thanks. मौलवी साहब, आप हमें हमेशा बिटिया कहा करते थे, आपने भी हमें नहीं पहचाना? नहीं नहीं बिटिया, मैं पहचान गया। मौलवी साहब, आपके पास एक अजीब सी छड़ी हुआ करती थी। हाँ, ये रही वो छड़ी बिटिया। आप एक्टिंग भी बहुत अच्छी करती हैं और आपने अपना सबक भी दिल से याद किया हुआ है, यहाँ तक के छड़ी का हवाला देना भी नहीं भूली। इसमें एक्टिंग या सबक याद करने की कौन सी बात है मिस्टर शमशेर? लोगों को हमारी याददाश्त पर हैरत होती थी। हम आपको भी आपकी बहुत सी बातें बता सकते हैं। मसलन बचपन में हम आपको शिमू कहा करते थे, मगर आप हमें जब सीमा की बजाय सीमी कहा करते थे तो आपको डांट पड़ती थी, और एक दिन इसी बात पर आपको आपके डैडी ने मारा भी था। क्यों, ठीक है ना? ये बातें तो यहाँ सबको मालूम है। आप ये बताइए कि आपके डैडी आपको किस जानवर के करीब जाने से रोका करते थे? वो आपके पास जाने से रोकते थे। बात को मजाक न टालिए, वो आपको खूंखार शिकारी कुत्तों के करीब जाने से रोका करते थे, और उन्होंने इसीलिए कई नौकर रख छोड़े थे कि आप किसी कुत्ते के करीब न जा सके। हमें याद नहीं। तो फिर आपको ये तो याद होगा कि हम दोनों जिस तरफ से गिरे थे वो हवेली के कौन से हिस्से में है? ये छोटी छोटी बातें हमें याद नहीं। आपकी याददाश्त पर तो लोगों को हैरत होती थी, फिर आपकी ये छोटी छोटी बातें याद नहीं थी। हकीकत यह है कि मछली सीमा नहीं हूं, बल्कि उसका रूप धारने वाली एक धोखेबाज लड़की हो, जिसने बेगम साहब की ममता से खेलकर उनकी जागीर और दौलत पे कब्जा करना चाहती है। ये झूठ है, हम इस जागीर और दौलत पर ठोकर मारते हैं। तो फिर देर किस बात की है, ठोकर मारो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन हम अम्मी हुजूर से मिले बगैर नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अगर हमें ज्यादा मजबूर किया गया तो हम इन्हीं दीवारों से सर टकरा टकरा कर जान दे देंगे। लड़की, ये क्या तमाशा लगा रखा? अम्मी हुजूर, बस वहीं रुक जाओ। लड़की, ये हमारी बच्ची का रूप धार कर आई है, इसे जो चाहिए सीमा के नाम पर दे दे। बताओ लड़की, क्या चाहिए तुम्हें? हमें जो चाहिए था मिल गया है, बस एक बार गले से लगा लीजिए। नहीं, हम तुम लोगों के धोखे में नहीं आ सकते। मैनेजर, इन लोगों को कुछ दे दिला के चलता दीजिए। अपनी दौलत अपने पास रखिए बेगम साहब, ये लीजिए अपनी मेहमान नवाजी का बिल, इसमें से जो बचे अपने नौकरों को टिप दे दीजिएगा। आइए मिस सीमा। शहजाद, तुम्हें हमारी तौहीन करने की जरूरत कैसे? तौहीन आपने की है बेगम साहिबा, आपने उस खुलूस के चेहरे को जख्मी किया जो आपको आपकी की इमारत लौटाने आया था। आप एक दोस्त और दुश्मन की बातों में आकर अपनी बेटी को तस्लीम करने से सिर्फ इसलिए इनकार कर रही हैं कि उसे बचपन की चंद छोटी छोटी बातें याद नहीं। लेकिन याद रखिए बेगम साहब, आप एक दिन अपनी बदनसीबी पर बहुत रोएंगे। आइए मिस सीमा। अभी भी तो तुम अच्छी खासी हो।
जब जी भर आता है तो इसी तरह खांसी का दौरा पड़ जाता है। ये दौरा कब से पड़ता है? बचपन से। साहिबा, कुछ याद आया आपको? जब कभी इसकी कोई ख्वाहिश पूरी नहीं होती तो इसे खांसी का दौरा पड़ता है। ये कैसी खांसी है डॉक्टर? इसे साइको कफ कहते हैं बेगम साहिबा। ये उम्र के साथ साथ खुद ब खुद ठीक हो जाएगी, घबराने की कोई बात नहीं। सीमा, मेरी बच्ची, अम्मी, अब मुझे माफ कर दे बेटी। अब मैं पहचान गई हूँ, तू ही मेरी बेटी है। मैं तो अब तक तुझसे मिलने की आस पर ही जिंदा थी। आज खुदा ने मेरी सुन ली है मेरी बच्ची। मैंने जब गरीबों और मोहताजों को बुलवाई, आज हम जी भर कर खराब पा देंगे। रोवत का है वो का तुम्हारा गुड्डा खोगा वा? आए आए, मेरी जानी को मार डाला, मेरी जानी को जिबा कर डाला सारे ने आए, मेरी जानी मर गया। ना रो जानी, ना रो, सबका एक दिन मरे का है। 3 महीने 13 दिन इज्जत के कलेजे पे पत्थर रख के शिद्दत से गुजार लो, उसके बाद निकाह शादी रुखसती सब एक दिन में हो जाइए। जानी गया तो प्यारा आ गवा। अरे तू गलत समझ रहा, वो मेरा मर्द थोड़ा ही था, मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई। शुक्र है खुदा का तुमने भी शादी भी नहीं ली, तो फिर वो आदमी कौन था? अरे वो आदमी नहीं, मेरा प्यारा से लल्ला था, लल्ला मुन्ना से लल्ला। फिर तो बहुत अच्छा हुआ, शादी से पहले अगर लल्ला हो जाए तो उसका मर जाना बहुत अच्छा होता है। अरे वो कोई आदमी का बच्चा थोड़ा ही था। अरे फिर तुम्हारे इलाके में काहे का बच्चा होता है? वो तो बकरी का बच्चा था, नन्ना मुन्ना था, प्यारा था। तो गुड़िया रोवत का है, हम तुमका हाथी का बच्चा ला दे। अब तुम ओके साथ खेलियो कूदियो, हम तुम्हारे साथ खेलो कूदो। तुम तो कोई मसखरे मालूम हो जो। अरे पहले तुम्हें कभी नहीं देखा, कौन हो तुम? दमीज से बात करो, हम खुश मिजाज हैं, हसमुख हैं, पर असल मालिक हम हैं। रईस जाते हैं, नवाब जाते हैं, हमारा नौकर अंदर हवेली में गवाह है। नौकर हवेली के अंदर और मालिक बाहर? बड़ा बदतमीज है तुम्हारे नौकर। हम उसे बहुत मोहब्बत करत हैं, बहुत तमीज सिखाई है उसका, इसीलिए हर मामले में वो हमसे आगे निकल जाते है। वैसे तुम्हारी भी कुछ तारीफ तो होइए। हम रानी, रियासत की बेगम साहबा की बिटिया। अरे नहीं, मैं तो यहाँ की सबसे बड़े बाबाजी की लाडली बिटिया रानी हूँ। जब से दूध मलाई जैसी उजली जवानी, असली घी की यखनी अखियन माँ, हाय जाफरान की खुशबू बदन माँ, बाप चुरावत है बिटिया खात है। रानी, ओ रानी, ये कौन गधा चिल्लात है? अरे ये तो मेरे अब्बा है। अच्छा तुम तो बेगम साहब आके मेहमान होगी ना, फिर मिलूंगी। वाह मालिक, कबर का फिरोट भी कितना मीठा होता है। जबरदस्त लौंडिया टकरा गई है, शाही टुकड़ा, मुर्ग कोरमा है, जर्दा बिरयानी, जाफरानी, आलू गोश्त, मटर गोश्त, कीमा गोश्त, सबका मजा एक ही लौंडिया में आ जाएगा। मेरा तो मगज खराब हो गया है बुढ़िया, ये तो सजादी है सजादी। अरे मगज तो तेरा खराब हो गया दारू पी पी के, जरा गौर से देख, ये तो अपनी भोली है भोली। अरे आज तक बोल किसी ने सुन लिया तो काम खराब हो जाएगा और हम दोनों को फांसी पर लटका देंगे। हाँ आप
तो तुम्हें देख रहे थे, मगर हम तो आपको सुलाकर आए थे। हमारा क्या है बेटी, जब तुम यहाँ नहीं थी तो तुम्हारे गम से हमारी नींद उड़ गई थी। अब तुम यहाँ हो तो इस डर से नहीं सोते कि अगर आंख न खुल सके तो तुम्हारी खुशियां कैसे देखेंगे। तुम्हारा घर बसा ले तो फिर हम इतने चैन से सोएंगे कि दोबारा कभी नहीं उठेंगे। खुदा ऐसा मत कहें। अच्छा अब तुम सो जाओ बेटी। हमें नींद नहीं आएगी। कैसी नींद नहीं आएगी, आओ आज हम हमें सुलाते हैं। बेगम साहिबा सचमुच मुझे अपनी बेटी समझने लगी है। मैं उन्हें धोखा कैसे दूं, लेकिन मैं अपने प्यार को भी तो नहीं छोड़ सकती। अपने आप से बातें कर रही हैं? नहीं तो, लेकिन आपने ये चोरी छिपे आने वाली आदत नहीं छोड़ी ना। हमें जिस आदत से प्यार हो जाए वो हम नहीं छोड़ते, चाहे वो कितनी बुरी क्यों ना हो। ये भी बहुत बुरी आदत है। ठहरिए, मुझे सजा तो सुनाती जाइए। सजा? सारी जिंदगी आपकी राह तकने के बावजूद जिन निगाहों ने आपको नहीं पहचानने का जो जुर्म किया है उसकी सजा क्या है? अब ये निगाहें हमारी तरफ कभी ना उठने पाए। नहीं नहीं, इतना जुल्म ना कीजिए। इससे तो बेहतर है मुझे मौत का हुक्म सुना दीजिए। अम्मी हुजूर शायद हमारा इंतजार कर रही हैं। चलिए। मेरी बात का जवाब तो दे दी जाइए। ऐसी जल्दी भी क्या है, चलिए ना। इनका प्यार देखकर हमें इनका बचपन याद आ जाता है। जी हाँ, दोनों एक दूसरे को बचपन से चाहते हैं। अम्मी हुजूर, कोई बारात आने वाली है। बातें ना बनाओ बेबी, आज हमने 12 साल बाद बावर्ची खाने में कदम रखा तो पता चला कि खाना पकाने के लिए कोई ढंग का सामान ही नहीं। मैंने बावर्ची को खूब डांटा है। बैठो बेबी, शुरू करो ना। शहजाद साहब आए हैं सरकार। बड़े अच्छे वक्त पे आए हैं, तुमने उन्हें अंदर क्यों नहीं बुलाया? वो जब भी आया करें हमारे पास ले आया करो। जी बेटा। लो बेटी, ये गवाह। अम्मी हजूर, इतना खाना हम अकेले कैसे खाएंगे? बस जो हम कहते हैं वही किए जाओ। लो। आदाब बेगम साहब। जीते रहो बेटी। आदाब शहजादी साहब। बैठो बेटी, खाना खाओ। जी वो तो मैं खा चुका, इस वक्त तो सिर्फ वापसी की इजाजत लेने के लिए हाजिर हुआ था। हरगिज नहीं, आना मेहमान का अपनी खुशी से होता है और जाना मेजबान की इजाजत से। और अभी तो तुम्हें सीमा के आने की खुशी के जश्न में शिरकत भी करना है। जैसा आपका हुक्म, आपकी बात भला मैं टाल सकता हूँ? अमीर हुजूर, आप भी तो खाना खाए ना। आपका रोजा है? रोजा? हाँ बेटी, हमने मन्नत मानी थी कि जब तुम मिल जाओगी तो हम साल भर रोजे रखेंगे। तुमने खाने से फिर हाथ रोक लिया, चलो खाना खाओ, हम अभी आते हैं। तशरीफ रखिए शहजाद साहब। शुक्रिया। शुक्रिया तो हमने अदा करना है आपका। किस बात का? आपने इनको लाकर हम पे बहुत बड़ा एहसान किया है, उसके बदले में अगर आपको पूरी जागीर भी दे दी जाए तो बहुत कम है। एक बार फिर सोच लीजिए शमशेर साहब, कहते हैं कभी कभी मुंह से निकली हुई बात सच हो जाती है। मैं मजाक तो नहीं कर रहा, सच कह रहा हूँ। मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। अच्छा मैं चलता हूँ। तवज्जो दो। शहजाद, काम बन गया बोले? तुम्हारा काम तो नहीं बना, मगर मेरी जान पर जरूर बनाई है। तो तुमने क्या समझा था? शहजादियों की जिंदगी गुजारना बाजारों में कमर मटकाने से ज्यादा आसान काम? नहीं, ये बात नहीं। तो फिर क्या मजबूरी?
या फिर मैं ये समझ तुम्हारे जरा से इशारे पर जान दे सकती हूँ, मगर उस ममता की मारी माँ का प्यार मेरे जमीर पर फोर्स बन गया है शहजाद। कोई ऐसी राह दिखाओ कि मुझे उसके सामने ना जाना पड़े। मैं उसके खुलूस और प्यार को धोखा नहीं दे सकती। तुम ये क्यों भूलती कि उसका वो प्यार जो तुम्हारे दिल का बोझ बन गया, वो उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी है। तुम्हें अपनी बेटी समझकर उसे जो सुकून मिला है, हम उस सुकून की कीमत वसूल कर रहे हैं और तो कुछ नहीं। मालिक, हम तो का देख लिया। आज मैं आपका रास्ता नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे मेरी किस्मत का फैसला नहीं सुना देंगे। मालिक का दिल दिल नहीं सोने की डली बन गया है। ओका तुम्हारे प्यार में जलना पड़ी है। किस्मत का फैसला तो उसी दिन हो गया था जिस दिन 12 साल के बाद आप हमें पहचान नहीं सके थे। ये तो मेरे प्यार की सच्चाई थी कि मैं आपको नहीं पहचान सका। दरअसल आपके बचपन की सूरत मेरे दिल पर इस तरह छाई हुई थी कि मैं आपको इस रूप में बिल्कुल नहीं पहचान सका। और हम इस यकीन से वापस आए थे कि कोई पहचाने ना पहचाने, मगर शमशेर हमें जरूर पहचान लेंगे। मुझे माफ कर दो सीमा, मैं नहीं जानता था कि तुम भी 12 साल तक मुझे मिलने के लिए कितनी तरसती रही हो। और नहीं तो क्या, आप समझते हैं कि हम जागीर और दौलत के लिए वापस आए हैं? नहीं, जिसके दिल की दुनिया उजड़ जाए उसे किसी चीज की तमन्ना नहीं रहती। उसके लिए बाग वीरान और महल मकबरा बन जाता है। चुप हो जाओ सीमा, वरना मेरा कलेजा फट जाएगा। मैं भी कितना बेवकूफ था कि तुम्हारे प्यार को नहीं समझ सका सीमा। बेसब्री हमें पसंद नहीं, जो मजा दूरी में है गुर्बत में कहा। अरे नवाब साहब, आप बस पर लेटे हैं और आपकी नौकर को हवेली में ठहराया गया है। तख्त और काज हवेली में ही रह जाइए, तख्ता कब्र तक साथ दे है, क्या समझी पगली? सब कुछ समझ गई हूँ। साथ साथ बताओ तनख्वाह कितनी है तुम्हारी? हमारी तनख्वाह 10 कम 100 रुपया। शादी के बाद तरक्की का वादा। तुम्हारी का तनख्वाह 60 रुपए। हमारी पोजीशन जरा तुमसे अच्छी है, चलो मिलके गुजारा हो जाइए। मिलके? क्या मतलब? बताई थे तुम्हारी शादी तो अभी नहीं हुई ना? नहीं, अभी सिर्फ मंगनी। तुम्हारा सौर क्या करता है? मंगनी के फौरन बाद मर गया। बहुत अच्छा बात, हम मंगनी नहीं करब, हम डायरेक्ट शादी करब। किससे? अगर तुम्हारे घर वाले इजाजत दे हैं तो हमारे बाबरची खाने के दरवाजे तुम्हारा इंतजार करिए। अरे जा जा, मैं तो किसी बड़े आदमी से। और हाँ, कल मेरे नौकर के कमरे में हमका सलाम करने आना। हमका बुलाया होगा? दरबार जा रहे हैं, गाड़ी तैयार। हम अब यहाँ से ना जाइए, हमारा तो अब सर्वेंट क्वार्टर यही बनिए। अरे क्यों? अरे हमका ऐसा कोई गवाह है? अरे तुमका ऐसा नहीं होगा, तुम्हारा दिमाग खराब होगा। बाबादार तैयार कर किया, सब फजूल बातें। पैसे कमाने की तरकीब सोचो। सोच लिए, 60 रुपया महीना का फायदा है और जुड़वा भी मुफ्त में मिली है। चलो फिर तो ठीक, जाओ गाड़ी साफ कर लो। पर जाएगा कहाँ? सोचा है रानी गार्डन की सैर कराए, बोर हो गए यहाँ बैठे बैठे। फिर वही मजा आई है रानी गार्डन में। हेलो सीमा है? आया। हम प्यारे बोले थे बोली भाई। मालिक अभी रानी गार्डन चाहिए, तुम किसी के साथ वहाँ पहुँच जाओ। जब हम हारन गए ना तो तुम झूठी मोहब्बत का ड्रामा चालू कर दो, फिर हम देखे थे मालिक की क्या हालत होता है। थैंक यू प्यारे भैया, मैं शमशेर को लेकर रानी बाग पहुँच रही हूँ। खुदा हाफिज। मैं शमशेर की गाड़ी है ना? अय्यास आदमी है, कोई लौंडिया मौंडिया लाया हुई है। तो आप फिर इनका तमाशा ही देखें। ये क्या हरकत है? हारन है, बज गा। हाँ
बोला मेरा गजरा कहाँ पे चली रे। और यह है नया वसीयतनामा जिसकी रूह से सीमा बीबी आपकी तमाम जायदाद की वारिस है। मैनेजर साहब, आप एक जबरदस्त जश्न का इंतजाम कीजिए जिसमें हम सीमा को अपने खानदानी खजाने की चाबी देने के साथ साथ एक जरूरी ऐलान भी करेंगे। जी बेहतर, सब इंतजाम ठीक हो गया है। अब ख्याल रखना कि मेहमानों को किसी तरह की तकलीफ ना हो। डैडी जरा मेरे साथ आइए, मैंने कहा से जरूरी बात करनी है। मैं इस वक्त जश्न की तैयारी छोड़कर तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मगर मैं जो खबर लाया हूँ शायद उससे जश्न ना हो सके। बात क्या है आखिर? बात कहने की नहीं, देखने की है। आइए डैडी। सलाम सरकार। सलाम हुजूर। कौन है ये? खुद ही पूछ लीजिए। कौन हो तुम लोग? हम बंजारे हैं हुजूर। यहाँ क्या लेने आए हो? अपनी छोकरी की खातिर हाजिर हुए हैं सरकार। ये कहे है कि आपने हमारी भोली को शहजादी बना दिया है। ओ, तुम्हारा मतलब है शहजादी सीमा तुम्हारी बेटी भोली है? हाँ हुजूर, हमारी भोली हमको वापस कर दो ना सरकार। अभी करते हैं, इन्हें पकड़कर पुरानी हवेली के तहखाने में बंद कर दो। रहम हुजूर, रहम। हमारे कसूर के हुजूर, रहम करो हुजूर। कहां से पकड़ लाए थे इन कंगलों को? ये कंगले नकली सीमा के असली माँ बाप है डैडी। इनसे आपके सलूक का मतलब ये है कि आप भी शरारत के साथ मिले हुए और आपने ये प्लान बेगम साहिबा की जागीर और दौलत पे कब्जा करने के लिए बनाया है। जब तुम ये सब कुछ समझ ही गए हो तो तुम्हें इस बात का अच्छी तरह से अंदाजा होना चाहिए कि मैं ये सब कुछ तुम्हारी भलाई के लिए कर रहा हूँ। लेकिन आपने शहजाद को अमराज बना के गलती की है।
अगर आप मेरी भलाई चाहते हैं तो शहजाद को हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हटा दीजिए। लेकिन जो मैं कर रहा हूं उसे तुम नहीं समझ सकोगे। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि हमें हमारी खोई हुई बच्ची मिल गई। हमारे पास वो अल्फाज नहीं जिनसे हम अपनी दिली खुशी का इजहार कर सकें, और उसके साथ साथ हम मिस्टर शहजाद का शुक्रिया अदा करते हैं जिनकी वजह से हमें ये खुशियां मिली हैं, और आज वो मुबारक घड़ी भी आन पहुंची जिसका हमें बड़ी मुद्दत से इंतजार था। आप लोगों को ये जानकर मुसर्रत होगी कि आज से हमारी जागीर की मालिक हमारी बेटी सीमा है। हम खानदानी खजाने की चाबी देकर ये रस्म अदा करते हैं। आप सबको ये सुनकर और खुशी होगी कि हम अपने मैनेजर के बेटे शमशेर खान से अपनी बेटी की मंगनी का ऐलान करते हैं। का चले शहजाद साहब, ये खुशियां हमें आपकी की बदौलत तो मिली हैं। अगर आपको इस तकलीफ से मुसरत नहीं हुई तो आप जा सकते हैं। नहीं नहीं, मुझसे ज्यादा खुशी किसे हो सकती है। यूं क्या देना तो कोई बात नहीं, अगर आपको वाकई खुशी है तो इस खुशी का इजहार मौके के मुताबिक कीजिए ना। क्यों मिस सीमा, जिंदगी की तेरे साथ है ये नया हम सफर हो। मुबारक तुझे प्यार की ये दुआ मेरी सौगात है। जिंदगी की तेरे साथ है। मैं तुझे नजर क्या दूँ, हर खुशी जिंदगी की तेरे साथ है।
क्या मैं हाजिर कर सकती हूँ? आज आपकी आरज़ू पूरी हो गई है, इसलिए मुझे पास आने की इजाजत जरूर देंगे। अरे हाँ, ये लीजिए आपकी अमानत, खजाने की चाबी। आप इतने चुप चुप क्यों हैं? क्या नशा ज्यादा हो गया है? आज इतना मुबारक दिन था कि कुछ ज्यादा ही पी लिया। सच कहा आपने, आज से ज्यादा मुबारक दिन कौन सा हो सकता है? मुझे जागीर के साथ साथ सारी खुशियां मिल गई हैं। ये सब आपकी ही बदौलत है। आपने बाजारों में कूले मटका मटका कर नाचने वाली को शहजादी बना दिया है। मैं आपके एहसान का पतला सारी जिंदगी नहीं दे सकती, बस यही कहने आई थी। अब मुझे इजाजत दीजिए। हाँ, आपकी एक दरख्वास्त है, अगर आपको दौलत पहले मिल जाए तो भी मुझे डोली में बिठा कर ही कहिएगा, ये वादा कर लीजिए। वादे की बात फिर हो, पहले ये बताइए रिश्ता कैसे हुआ? आपको इससे मतलब है? जो कुछ पूछता हूँ उसका ठीक ठीक जवाब दे। मैं अपनी खुशियों की आप मालिक हूँ। मैं शमशेर को पसंद करती हूँ, इसलिए शादी अपनी मर्जी से कर रही हूँ। झूठ बोलती है, तुझे शमशेर से कोई प्यार नहीं। ये सच है, सच है, सच है। मैं शमशेर को दिल की गहराइयों से चाहती हूँ। मुझे धोखा देने की कोशिश कर भोली, सच सच बता, मेरी पीठ में छुरा किसने खोपा है? शमशेर और उसका बाप मेरे साथ गद्दारी कर रहे हैं या नहीं? छोड़ दो मुझे, जाने दो। जब तक सच सच नहीं बताएगी नहीं जाने दूंगा। क्यों, तुम मेरे क्या लगते हो? तुम्हारा मुझ पर क्या हक है? मेरा तुझ पर कोई हक नहीं, मैं तेरा कुछ भी नहीं रखता हूँ। नहीं, मेरा तुझ पर कोई हक नहीं, तेरा प्यार ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अगर प्यार को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत समझते हो तो मुझे यहाँ से ले चलो, अभी और इसी वक्त। हाँ भाई, अब हमारा यहाँ रहना ठीक नहीं, लेकिन हम इकट्ठे यहाँ से नहीं निकल सकते। मैं गाड़ी महल के पिछले दरवाजे पर लाता हूँ तुम्हारा। तैयारी है पार्टनर, इरादा क्या है तुम्हारा? इरादे तो अपने हमेशा ही खतरनाक होते हैं, इसीलिए तो हम भी हमेशा होशियार रहते हैं। देखो ना, मैं सिर्फ ठीक वक्त पर पहुंच गए, वरना तुमसे मुलाकात भी ना हो सकती। लेकिन ये इतनी रात गए, प्रोग्राम कहां का बना लिया था? आप ही के पास आ रहा था, थोड़ा सा हिसाब किताब करता है। ऐसी भी क्या जल्दी है, सीमा और शमशेर की शादी तो हो लेने दो। मैं उस वक्त तक इंतजार नहीं कर सकता, जो कुछ देना दिलाना है बस इसी वक्त दे डालिए। और अगर मैं ऐसा नहीं करूं तो ये बेईमानी होगी, और आप तो जानते हैं कि बेईमानी का अंजाम अच्छा नहीं होता। यही तो मैं तुमसे कहने वाला था शहजाद, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि तुम्हारे दिल में क्या है। अब तुम अपना आखिरी अंजाम अच्छी तरह सोच लो। आखिरी अंजाम तो हर आदमी का मौत ही होता है पार्टनर, लेकिन मैंने अभी जिंदा रहना है। दौलत की हवस में मैं जिस मासूम को कठपुतली बनाकर यहां ले आया था, आज उसके प्यार में सब कुछ हार गया, वरना मैंने तो सोचा था कि तुम बाप बेटे दोनों को छूट कर आप भी खत्म हो जाओ। अरे हुए ज्वारियों जैसी बातें मत करो, मैं आज भी तुम्हें बहुत कुछ देकर माफ कर सकता हूँ, लेकिन तुम दो टके की छो के सहारे आज तक जिंदा रहा उसी की तौहीन करता है। तेरी इस दगाबाजी के बाद तुझसे किया हुआ हर वादा खत्म। अब रानी साहिबा जो फैसला करेगी वही तेरा और तेरे छोकरे का अंजाम होगा। अब तूने जरा भी आवाज निकालने की कोशिश की तो तुझे हमेशा की खत्म कर। दूसरा
चुप, लेकर इसे और बंद कर दो। अजीम खातून, काश आप ही मेरी माँ होती, मगर अफसोस कि ऐसा नहीं। मुझे दौलत की खातिर आपकी बेटी बनाकर लाया गया, लेकिन मैं आपकी ममता को धोखा नहीं दे सकती। खुदा करे आपको आपकी सीमा मिल जाए, उसके सदके में मुझे माफ कर दीजिएगा, आपकी कनीज। सीमा बनी रहेगी और शमशेर से आपको शादी करना। नहीं भोली, मेरी खातिर तू इनके धोखे में ना आना। तूने फिर बकवास की तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं नहीं, मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तू ऐसा नहीं कर सकती भोली, तू ऐसा नहीं करेगी भोली। अब तू बोला तो मैं तेरी जबान खींच लूंगा, और अगर तूने हमारा साथ न दिया तो हमसे बुरा कोई ना होगा। अदब से बात करो शमशेर, ये जागीर की मालिका है और हम इनके ताबेदार हैं, खादिम हैं। ओके डैडी, तशरीफ ले चलिए हुजूर। इससे पहले कि बेगम साहिबा की आंख खुल जाए आपको वहां पहुंचना है। मुझे मर जाने दे, मेरी खातिर अपनी जिंदगी बर्बाद न कर भूली। ये लोग मक्कार हैं, झूठे हैं, दगाबाज हैं। मेरी मौत की डर से अपना फैसला न बदल भूली। मुझे मर जाने दे भूली, भूली मुझे मर जाने दे। छुआ से भूल जाओ, सिर्फ इतना याद रखो कि अब तुम्हें हमारे बताए हुए रास्ते पे चलना है। सुनो, इतना याद रहे कि हम हर कदम पे साए की तरह तुम्हारे साथ हैं। जाओ।
कुछ नहीं अम्मी हजूर, आपको देख रहे थे और सुबह का सलाम अर्ज करना था। मेरी बच्ची, एक बात तो बताओ सीमा, हमने महसूस किया है कि जश्न के बाद से तुम कुछ खोई खोई सी रहती। नहीं नहीं अम्मी हजूर, हम बिल्कुल ठीक है। अलबत्ता हमारी ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। बताओ बेटी। हम चाहते हैं कि जिसकी वजह से हमें ये खुशियाँ नसीब हुई है, आप इसे अपने हाथों से इनाम देकर रुखसत करें। हाँ हाँ, हम ऐसा ही करेंगे, मगर तुम अपनी बूढ़ी माँ को बेवकूफ नहीं बना सकती। हम महसूस कर रहे हैं सीमा कि जैसे तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो। हाँ हाँ, अपने दिल की बात कह दीजिए सरकार। हम तो सात पुश्तों से इस घराने का नमक खाते चले आ रहे हैं, आपकी खुशी के लिए तो जान तक भी दे सकते हैं। अगर आपको ये रिश्ता पसंद नहीं तो साफ साफ इनकार कर दीजिए, या फिर मेरे सामने बेगम साहिबा को इस बात का यकीन दिला दीजिए कि आप भी इस शादी से खुश। हाँ हाँ मिर्जू, हम इस शादी से बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। हाँ तो आप जरा शहजाद को हमारे पास भिजवा दीजिए। यही तो मैं आपको बताने आया था, किसी से मिले बगैर चुपचाप कहीं चला गया। चुपचाप कहीं चला गया, ये कैसे हो सकता है? अच्छा आप उसका पता दीजिए। बहुत बेहतर। आओ बेटी, हम तुम्हें अपना खुफिया तहखाना दिखाएं, जहां हमारा खानदानी खजाना है। मैनेजर गिरफ्तार करके ले गया है। धोखा कैसे पता चला? मैं मेहमान खाने में तुमको देखने गई थी, अपनी आंखों से सब कुछ देख कर आ रही हूँ। जब भी हम गई है मेहमान खाने में हर चीज उल्टी पड़ी है, अब क्या करेगा चाहिए? तू काम कर। क्या? हमका सीमा बेगम के पास ले चलो। हाँ ये ठीक है, चलो। तकिए जैसे मिला है। झूठ का भरम ही रख लेती और सारी जिंदगी हमसे ये ना कहती कि तुम हमारी सीमा नहीं हो। तकदीर ने तो हम पे जुल्म किए ही थे, मगर तुमने किस जुल्म की पाताश में हमें इतनी बड़ी सजा दी है? चुप क्यों हो लड़की, जवाब दो। हमारी ममता किसे बेटी कहकर पुकारेगी? हम किसे सीमा कहकर आवाज देंगे? तुम्हें तुम्हारे फरेब की सजा तो जरूर मिलनी चाहिए थी, मगर तुमने हमसे हमारी बेटी सीमा का वास्ता देकर माफी मांगी है। जाओ जाओ, हम तुम्हें माफ करते हैं, मगर फौरन यहां से निकल जाओ, दूर हो जाओ हमारी नजरों से, वरना हमारा कलेजा फट जाएगा, हमारा कलेजा फट जाएगा।
पूछिए डैडी, इसने बेगम को खत में लिखा, मैं इसका खून खरीदूंगा। खत लिखा कोई बात नहीं, हमें उस खुफिया तहखाने का रास्ता बताओ जहाँ बुढ़िया ने खजाना छुपा रखा है। मुझे किसी तहखाने का पता नहीं। बकवास बंद करो और हमें वहां तक ले चलो, वरना मैं शहजाद की बोटियां करता। नहीं नहीं, ये इस तरह नहीं बताएगी। तुम जाओ शमशेर और शहजाद को शूट करके उसकी लाश को कुत्तों के आगे फेंक दो। ये तूने क्या किया? इसे जान से मार दिया। मैनेजर साहब ने तो इसे जिंदा रखने को कहा। देखते हैं मर गया जरूर। जबरदस्ती सीमा बीवी का तहखाने में ले गए, हम खुद देखा है, हम खुद सुना है। बाबूजी, 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 हमें यहां से निकाल दे। तुम लोग भोली के माँ बाप तो नहीं? हाँ हाँ बाबूजी। तुम्हें यहाँ किसने बंद किया? हमें मैनेजर साहब ने बंद किया है, हमारा कोई कसूर नहीं बाबूजी। ये है खजाने वाला कमरा। कमरा तो हम भी देख रहे हैं, मगर खजाना कहाँ है? भोली का मैनेजर पकड़ के ले गवा है। तुम घबरा नहीं, मैं उन नमक हरामों से अभी निपटता हूँ। कहाँ ले गया? हवेली के तहखाने में। अरे तुम इन दोनों का ख्याल रखना। हमें फौरन बहादुर खान को इत्तला करनी चाहिए, वो बेगम साहिबा का बड़ा वफादार दारोगा है। ठीक है, दो वफादार दो नमक हरामन के लिए काफी रही। चलो शहजादी साहिबा, शुक्रिया। अब इस खजाने की चाबी भी शहजादी ही चुरा कर लाएगी। नहीं, ये नहीं हो सकता। शहजाद की लाश या चाबी, फैसला करो। फैसला मेरे जमीर ने कर लिया है। माँ अपनी हो या किसी और की, माँ होती है। और अब मैं इस मुकद्दस रिश्ते के साथ कोई और धोखा नहीं करना चाहती। धोखा नहीं, ये वादा है। याद रखो, हम तुम्हें भी खत्म कर देंगे। माँ आपकी धमकी किसी और को देना। जिस झूठ को तुमने मेरे और शहजाद के रूप में देखा था वो मर चुका है। अब तुम्हारे सामने भोली नहीं सच्चाई खड़ी है, और सच्चाई हमेशा सत्य का मन बांध कर आती है। ओ, तो इससे तो मैं बाद में निपटूंगा। मैंने उस गुड़िया से चाबी ले आऊंगा। अच्छा हुआ कि तुम्हारी बोल सुन गई। हमें आज मालूम हुआ है, शरीफ हो तो चार दिन की मोहब्बत भी एक धोखेबाज को बदल सकती है, लेकिन तुम जैसा जलील हो
तो उम्र भर के एहसानात भी उसे नहीं बदल सकते। बकवास बंद कर भुड़िया, चाबी निकाल। आज भी इनके साथ तुम अपनी औकात सुन रहे हो, पकड़ लें बदमाश। हम कहते हैं गिरफ्तार कर लो इन्हें। गिरफ्तार कर लो इसे। अब तुझे पता चला कि इस जागीर का असल मालिक कौन है? तलाशी लोगे? तो रहो हमसे दिली और अपने गंदे हाथ में मत लगाना। ये रह चाबी और याद रखो, सांप डसने के बाद ही मारा ही जाता है। डर मत कर बुढ़िया। ये तुम्हारे हंसने का नहीं, रोने का। शहजाद पकड़ लो इसे। जैसे भी आया हूं तेरी मौत बन के आया। कहीं बड़ा धोखा मैं अपने आप को देता रहा। जमाने ने मेरे साथ कुछ त्याग किया और मैंने अपने अंदर नफरत और इंतकाम की एक आग जला दी। जमाने का तो मैं कुछ ना बिगाड़ सका, हाँ अपने आप को जलाकर राख कर लिया। मैंने अपने जमीर, शराफत, इंसानियत, जज्बात, हर चीज को फरामोश कर दिया और सिर्फ दौलत को जिंदगी का हासिल समझ लिया। लेकिन भोली की बेलौस मोहब्बत ने मेरी आंखें खोली, मेरी रूह पर लगाए हुए सारे जख्म भर दिए और यह साबित कर दिया कि इसकी मोहब्बत से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं। अब आप जो चाहें मेरे जुर्म की सजा दें, मैं हाजिर हूं। सोचते हैं सजा दें किसको? वो शहजाद जो हमें लूटने आया था उसको तो तुमने खुद खत्म कर दिया। आप मोहब्बत की तरह अजीम हैं, अपनी दुआओं के साथ हमें जाने की इजाजत दीजिए। आप ठहरो मालिक, कहाँ जाते हो? अभी तो इस नीमत हराम से असली सीमा का सबूत हासिल करेगा है। बताओ कपड़ा और लाके कहाँ छुपाए हो जो इन गरीबन से छीना रहा? बता देगा मारियो चमाट। तुम ही पूछो, औरत के पूछे से मर्द जल्दी बात उगल देते।
कुत्ते की मौत मरने से बचा जाता है तो जल्दी निकाल निकाल वो हमारे कपड़े। अब क्यों थे कपड़े तो मैंने जला दिए और ये रहा वो लॉकेट। ये लॉकेट तो हमारी सीमा का है। हाँ हजूर, आज से बरसों पहले हमने इस डूबती हुई बच्ची को नीलम नदी से निकाला था। तो ये हार इसके गले में था। तुम कहाँ जा रहे हो शहजाद? फासला अचानक बहुत बढ़ गया है बेगम साहिबा। मैं सीमा को दौलत, जागीर और ममता की मंजिल मुबारक हो। रास्ता बताने वाले तो मंजिल पर पहुंचाकर चले ही जाया करते हैं। लेकिन तुम तो हमारी सीमा की मंजिल हो और हमारे बुढ़ापे का सहारा। बेटे माँ को हाल में छोड़कर जाया नहीं करते। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा नहीं, सिर्फ माँ को। सरकार बेगम साहेब जिंदाबाद। खुदा आपका महल हमेशा आबाद रखे। पूरा बाबरची खाना भी आबाद कराए दे। तुम कहना क्या चाहते? प्याज कतरे के वास्ते एक असिस्टेंट मिल जाए मुस्तकिल। करम कर दे तो इसके बच्चे आपका दुआ दे हैं। तुम्हारी खुशी भी मंजूर की जाती है।